संसार के हर कोने से बिन बुलाए तेरे कौन है आता, सबके दुखों को हरने वाली माता, नसीबों खुशी में जो शामिल है दिल वही प्यार के ताबिल है। अरे हो प्यार के बदले में प्यार करो यार पे जान निसार करो यारों की खुशी
खुशी में जो शामिल है दिल वही प्यार के काबिल है। खुशी में जो शामिल है दिल वही प्यार के काबिल है। क्या आइडिया दिया था जनाब ने, तेरी आवाज सुनकर तेरा डांस देखकर अंदर हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी। साली कोई नौकरी वोकरी तो मिली नहीं, यहाँ अंदर हो गए। अरे बाप रे, ये भी अंदर आ गया, लगता है बड़ा खटमल है, लेकिन हमारे साथ कैसे आ गया अंदर? बंद कर अपनी ये बकवास, अब थोड़ी देर में हमारे कर्जदार भी हमारे साथ होंगे, जिनसे कपड़े भाड़े पे लिए थे, वो बैंड बाजा भाड़े पे लिया था, वो सब तुझे खटमल की तरफ मसल डालेंगे देखना। अच्छा हे भगवान, हमको जेल से बाहर मत निकालना। चलो बाहर निकलो, तुम्हारी जमानत हो गई। जमानत हो गई? हमारी जमानत कौन कर सकता है, है? कमाल है। क्या कर रहा आपने? जी हाँ, कल रात मैंने आपको सड़क पर गाते हुए देखा। जी हाँ, वो ऐसे ही बहुत अच्छा गाते हैं आप। यार हमने तो नौकरी ढूंढने चले थे, ये तो छोकरी मिल गई। ये छोकरी शायद नौकरी दिला दे। जी नौकरी नौकरी नौकरी। आप बेरोजगार हैं? जी। फिर आप किसी होटल में सिंगर की नौकरी क्यों नहीं कर लेते? अरे मेम साहब, इसी नौकरी के चक्कर में वो रोड साइड पर रेड लाइट ग्रीन लाइट का चक्कर चलाया था, लेकिन वो तो ब्लैकआउट हो गया। अब वो चक्कर का चक्कर तो चला नहीं, लेकिन यहाँ का चक्कर लग गया। शायद इस होटल में सिंगर की जगह खाली है। रियली? आप इसी होटल में काम करती हैं? जी वो नौकरी के लिए कोशिश की होगी, मिली नहीं होगी। देखिए आप यहाँ साइन कर दीजिए। जमानत का बहुत बहुत शुक्रिया।
संगीता जी, संगीता जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए ना, पहले से मैं कितना दुबला हो गया हूँ। पहले मेरी कवर 40 की थी, अब 39 की हो गई है। पहले मेरा वजन 96 का था, अब एक ही साल में 95 का हो गया। व्हाट अ चेंज, व्हाट अ चेंज। गंगाधर प्रसाद, यस, अगर तुम हर एंगल से 16 साल की दिखने लगे, यस, फिर होगा क्या? मतलब? मतलब ये, अगर तुम दुबले भी हुए, पतले भी हुए, सुकड़े भी हुए, तो भी मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए, दुबले और पतले से क्या फर्क पड़ता है, दिल तो अभी जवान है ना। और अक्सर मैं आप ही के बंगले के आसपास चक्कर काटता रहता हूँ। वैसे तुमसे भी बहुत ज्यादा हैंडसम लड़के मेरे बंगले के सामने से गुजर जाते। आज के दिन सावित्री ने भी बड़ की पूजा की, और धर्मपत्नी, आज के दिन मेरा भाव भी बढ़ जाता है। लेकिन बात यह है, ये दिन साल में एक ही बार क्यों आता है, बार बार क्यों नहीं आता है? आप खामोश भी रहेंगे या ये पैर नहीं वो पैर? नहीं, बात यह है कि आज के दिन ही तो बोलता हूँ। धर्मपत्नी, साल के बाकी 364 दिन तो तुम ही बोलती रहती। देखिए जी, हमें फजूल बातें सुनने की आदत नहीं है। लेकिन आज मेरे पैरों की बड़ी जबरदस्त किस्मत है। मैं आपसे कह देती हूँ, औरत जात चाहे लक्ष्मी हो चाहे सरस्वती, जब तक पति के चरणों में न बैठे तब तक पत्नी नहीं कहलाती। अब आप मेहरबानी करके ये पैर हटाएंगे? इतनी जल्दी? सारी जिंदगी इस थाली में ही पैर धरे बैठे रहेंगे क्या? ओहो, अरे संगीता बेटी, इतनी सुबह तुम कहाँ से आ रही हो? मम्मी, आप सुबह सुबह पूजा कर रही हैं और मैं दान धर्म का काम करके आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक कर रही हो। हाय डैडी। क्या गजब करती हो, कहीं तुम्हारी माँ ने देख लिया तो इस झूठ को सड़े हुए फ्रूट की तरह बाहर फेंक दे। ओह डैडी, ये इम्पोर्टेड है। अच्छा ठीक है, डैडी को झूठ का मक्खन तो लगा लिया, अब मतलब की बात पर आ जाओ। डैडी, एक लड़का है। लड़का? नहीं नहीं, एक झूठ से इतना खतरनाक काम मुझसे नहीं होगा। वो शादी ब्याह मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। ओ डैडी, शादी ब्याह की नहीं, हमारे होटल में एक लड़के को नौकरी दिलाने की बात कर रही हूँ। नौकरी? अरे जिसकी खुद की कुर्सी छीन गई हो, वो दूसरे को कैसे नौकरी दिला सकता है? प्लीज डैडी, इस लड़के को अपने होटल में आपको नौकरी दिलानी ही पड़ेगी। बेचारा बहुत ही जरूरतमंद है, उसने नौकरी पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर सिवाय नाकामी के उसे कुछ नहीं मिला। डैडी, सिर्फ तेरी आंखों से ही नहीं, तेरी बातों से भी उसके लिए दर्द टपक रहा है। डैडी, अगर आप उसकी हालत देखते, उसकी कहानी सुनते तो, और फिर अच्छी आवाज है उसकी डैडी, बहुत अच्छा गाता है, और हमारे होटल में एक गाने वाले की जरूरत है ना डैडी। अगर गाने वालों का इंटरव्यू लेना तुम्हारी माँ का कार्यक्रम है, मैं कैसे हाँ कर सकता हूँ? ओहो डैडी, कुछ भी कीजिए, उससे ये नौकरी मिल जानी ही चाहिए बस। ये दूध मेम साहब के लिए जी, साहब। मुझे, और तुम जाके मेरी दवा लाओ। मगर साहब, अजय सुनिए। क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए, आज मैंने कुछ लोगों को ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाया है, आप चले जाइए ना। अरे मैं तो कभी इंटरव्यू नहीं लेता। अरे आप समझते क्यों नहीं, जाइए ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं जाता हूं। प्लीज। वाह, तो तुम यहाँ कौन सी नौकरी के लिए आए हो? सर, गले में सुरों का समंदर है, हाथों में संगीत का हुनर है, और आपके होटल में गाने वाले की नौकरी खाली है। तुम रहने वाले कहाँ के हो? जी, पिताजी लाहौर के थे, दादाजी भी लाहौर के थे, मगर मैं दिल्ली वाला हूँ सर। दिल्ली वाला? पिताजी का नाम? जी, ज्ञानीनाथ शर्मा। अच्छा जी, अरे तब तो तुम केदारनाथ शर्मा जी के पोते हो। जी हाँ, वो तो करोड़पति आदमी थे। सर, जो करोड़पति लोग होते हैं उनका अगर फायदा करोड़ों में होता है तो घाटा भी करोड़ों में हो जाता है। बस बिजनेस में जबरदस्त नुकसान हुआ, सिर्फ दौलत और बिजनेस ही नहीं, वक्त के हाथों दादाजी, माँ बाप सब छिन गए। उसके बाद बस अपनी दुनिया अपने ही कंधों पे खींचनी शुरू की और यहाँ तक आ पहुंचा। तो फिर कल से नौकरी पर आ जाओ। रियली सर? थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कल जिनको होटल में गाने के लिए रखा गया है उन्होंने ये लिस्ट दी है। तो आप हैं मिस्टर अमर? यस मैम। कल ही हमारे होटल में तुम्हें नौकरी दी और आज तुमने सलाह देना भी शुरू कर दिया। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, बात यह कि जिस माइक्रोफोन पर मैं गाऊंगा उसके स्पीकर्स बहुत पुराने हो चुके हैं। मिस्टर अमर, हमने ये होटल लोगों के रहने और खाने के लिए बनाया है,
उन्हें तानसेन की आवाज में राग सुनाने के लिए नहीं। मगर मैडम, म्यूजिक भी तो आपके होटल का, आपके बिजनेस का हिस्सा है। बिजनेस में क्या करना है क्या नहीं हमें अच्छी तरह मालूम है। आजकल नाच गाना और डिस्को होटलों का फैशन बन गया है, इसीलिए हम मजबूर हैं, वरना म्यूजिक और नाच गाने से हमें सख्त नफरत है। ठीक है मैडम, जैसा आपका है। एक्सक्यूज मी यार, इन अमीरों के उसूल भी कमाल के हैं। हम गरीबों के जज्बात को ऐसे कुचल देते हैं जैसे बनिया हमाम दस्ते में धनिया कुचल देता है। इसलिए तो मैं इन अमीरों को कोई आइडिया देता नहीं हूँ। एक तो वो लोग आइडिया लेते नहीं, अगर आइडिया लेते हैं तो बदले में कुछ देते नहीं है। ये अमीर लोग बड़े कंजूस होते हैं। यार मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। अरे ये गरीबों को बेइज्जत करके तो इज्जत कमाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी कोई इज्जत होती नहीं है। ऐसे ही तो ये लोग इज्जतदार बनते हैं। यार तो मेरा भेजा मत कर और बकवास बंद कर। अरे क्या तो करे, मैं बकवास कर रहा हूँ। मैं जो है गरीबी के लेवल को ऊंचा कर रहा हूँ और अमीरी के लेवल को नीचा कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारा जो लेवल है वो मिलके कहाँ गया। अरे संगीता जी, आपने जो सलाह दी उसका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नौकरी मिल गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ केटरिंग का काम संभालती हूँ। कमाल है, गाना गाने का काम नहीं मिला तो खाना पकाने का काम कर लिया है। एक बात बताएं संगीता जी, इस होटल की जो मालकिन है ना, अजीब किस्म की है। हाँ बड़ी कंजूस भी है, उन्हें संगीत से कोई लगाव ही नहीं है। हाँ बड़े बुरे कह गए हैं कि जिन लोगों को संगीत और फूलों से लगाव ना हो वो खून भी कर सकते हैं। संगीता, अब देखिए ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी ओ, ये लोग लेन देन कर रहे हैं, एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शुक्रिया? किस बात का शुक्रिया? ये सब क्या हो रहा है? बेटी, फॉरेन से कुछ ग्रुप आ रहा है, तुमने खाने पीने का अरेंजमेंट कर दिया है ना? जी मम्मी। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ये आपकी मम्मी थी? कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें डैडी दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब इनकी मम्मी थी ना वो। यस यस, वैसे बहुत अच्छी हैं। और आपने कितनी तरक्की की, क्योंकि बड़ी बड़ी होम स्टे चला रही है। इनको देखो, इतनी बड़ी होटल की कैंटीन चला रही है। कैंटीन नहीं, केटरिंग चला रही है। वैसे आपने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया हमें। ये बताया तक नहीं कि जहाँ हमें नौकरी दिलाई जा रही है आप उसके मालिक की बेटी हैं। सरप्राइज देना तो हमारी खानदानी आदत है। बहुत अच्छी आदत है। वेरी गुड, वेरी गुड इज दिस होटल। होटल बाबा, क्या होटल बाबा? ये मेरी मम्मी का क्रिएशन है। मम्मी ने अगर सबसे खूबसूरत, अनमोल और जबरदस्त चीज बनाई है तो वो ये होटल है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। वैसे अगर आपकी मम्मी ने कोई अनमोल, खूबसूरत, जबरदस्त चीज बनाई है तो वो सिर्फ आप हैं।
इतनी मोहब्बत किसी ने पहले तो पाई न होगी। इतनी मोहब्बत किसी ने पहले तो पाई न होगी। यारी ऐसी किसी ने पहले निभाई न होगी। ओ प्यार तो हम दुनिया का मजहब बना जाएंगे। मानी चाहिए तुम्हें, एक मामूली सी तनख्वाह पर जीने वाले आदमी के साथ तुम अपना जीवन बसाना चाहती हो। हमारा नाम, हमारी इज्जत, क्या तुम्हें किसी चीज का कोई ख्याल नहीं? धर्मपत्नी, जवानी में तो तुमने मुझे चुन लिया, अब बेटी चुन रही है तो चिल्ला। आप चुप रहिए जी। अरे सोचो, नौकरी करने से क्या आदमी 2% का हो जाता है और बिजनेस से 4% का? ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। तुम्हारी बेटी तो मेरी भी बेटी है ना। खामोश रहिए, आप इस बारे में कुछ नहीं जानते। शादी हमारी मर्जी से होगी और उसी खानदान में होगी जो हमारे बराबर का हो। मखमल में रेशम का पैवन लगाया जा सकता है, टाट का नहीं। वो आदमी भी कोई टाट का पैवन नहीं है, वो उस महान इंसान का पोता है जिसका नाम लाला केदारनाथ था। क्या वो लाला केदारनाथ का पोता है? जिन्होंने हमें उस वक्त सहारा दिया जब हमारे पास कुछ नहीं, ये नाम ये दौलत उन्हीं हाथों ने हमें दी है। उनकी भलाई के बदले में हम तो उन्हें कुछ नहीं दे सके। आज अगर उनके पोते को जिंदगी में ये छोटी सी खुशी हम दे दें तो उनके के एहसानों का बोझ थोड़ा बहुत हल्का हो जाएगा और इन दोनों की जिंदगी भी समझ जाएगी। अगर ऐसी बात है तो हम उस लड़के से मिलना चाहेंगे।
या अगर हम लोग कोई गलत जगह पर नहीं आ गए? हाय अमर। ओ नमस्ते भाभी जी। मेरा मतलब है नमस्ते होने वाली भाभी जी। आइए ना। यस डैडी। नमस्कार। आओ आओ। नमस्कार। नमस्ते। ठीक वक्त पर आ गए। हाँ जी गुड मॉर्निंग मम्मी। आपका घर ढूंढने में बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई? आपका घर गली मोहल्ले में इतना मशहूर है, कोई ऐसे मशहूर हो जाता है, कोई वैसे तो ये बोलने वाला तोता भी तुम अपने साथ लाए हो। तोता? मैं तो मिर्ची भी नहीं छुपा। तुम्हें ये हमारा घर पसंद आया? जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत है, कीमती भी है और... मगर इस घर से ज्यादा कीमती है हमारी इकलौती बेटी संगीता, और अपनी इकलौती बेटी को हम अपने से दूर रखना पसंद नहीं करते, और ना ही ये हमसे दूर रह सकती है। तुम हमारे कहने का मतलब समझ गए होगे? जी हाँ, इस घर को दामाद नहीं, घर दामाद की जरूरत है। ये तो अपने अपने सोचने का अंदाज है, सोचो तो घर दामाद और ना सोचो तो कुछ भी नहीं। माफ कीजिएगा मैडम, किसी खुददार इंसान के लिए घर दामाद बनकर जीना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसका मतलब है तुम्हें हमारी शर्त मंजूर नहीं, तुम्हारे पास ऐसा घर है नहीं, तुम घर दामाद बनोगे नहीं तो फिर हमारी बेटी को कहाँ रखोगे? धर्म पत्नी, एक मकान दहेज पे दे देंगे बस, किस हक? नहीं सर, मैं दहेज में नहीं मानता, मैं ना दहेज लेने के हक में हूँ ना देने के। तो क्या हमारी बेटी तुम्हारे साथ सड़कों पर रहेगी? आपकी बेटी को छत के नीचे रखना मेरा जिम्मा है और... मिस्टर, मकान खरीदने के लिए जज्बात की नहीं ढेर सारे रुपयों की जरूरत होती है। ओ धर्म पत्नी, रुपए की क्या कमी है? हैं? तुम फूक मारोगी तो हजारों आ जाएंगे, तुम छींक मारोगी तो लाखों आ जाएंगे। अमर बेटा, तुम ऐसा करो, तुम दहेज मत लो मगर मेरी पत्नी से ही तुम कर्जा ले लो। हाँ मैं कहता हूँ कर्जा ले लो और एक घर ले लो, बस किस्सा खत्म। क्या आइडिया है, मैं फौरन जाके हाउसिंग बोर्ड में खास जगह ढूंढता हूँ। और हम लोग बाहर वाले थोड़ी हैं। नहीं सर, आप जानते कि अरे नहीं नहीं, मैं जानता हूँ लेकिन जमाने के साथ साथ सबको बदलना पड़ता है, इसलिए तुम मेरी बात मान जाओ। ठीक है सर, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। वाह, लेकिन एक शर्त पर, आपको अपना दिया हुआ कर्जा मुझसे वापस लेना पड़ेगा। अरे वाह वाह वाह, देखा ऐसा ईमानदार लड़का कहाँ मिलेगा तुम्हें। अब क्या ख्याल है धर्मपत्नी? जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो आपकी खुशियों का साथ निभाने के लिए हमें भी तो हाँ करनी ही पड़ेगी। मगर हमारी बेटी से शादी करने के बाद तुम हमारे होटल में सिंगर नहीं बल्कि एक मैनेजर की हैसियत से काम करोगे। आप अगले महीने शादी का मुहूर्त निकलवाइए। पता है मेरे लाख मना करने पर भी तुम मम्मी का कर्जा चुकाए बिना नहीं रहोगे। पानी पी लो, ठसका लग गया। कितना गर्म पानी है, मुझसे सादा पानी नहीं पिया जाता। आज शाम गर्मा गर्म तरह तरह के खाने पकाने पड़ेंगे तुम्हें। क्यों? वाशा मेरा जिगरी दोस्त नंद किशोर गोवर्धन खाने पे आ रहा है, शादी की खुशी में दावत दी, शादी के बाद मैंने खाने पे बुलाया का। हिंदुस्तानी खाना बनाए या चाइनीज? अरे डार्लिंग, कुछ भी बना लो, तुम्हारे हाथ की हर चीज में मजा है। वैसे ढेर सारा बनाना क्योंकि बुरे वक्त में उसने मुझे बहुत खिलाया है। आप घर कब तशरीफ लाएंगे? घर तशरीफ वहाँ सूरज अंदर हुआ, हम यहाँ अंदर हुए। ठीक है, आपके आने के बाद आपके डाइनिंग टेबल बिल्कुल सजा हुआ मिलेगा। लवली, बाय। अरे चाय? नो टाइम। हाँ टिपिकल मदर इन फ्लोइंग स्वेटर। जान, आज 24 दिन हो गए, घर तुम्हारे बिना इतना सुना सुना है, कहीं चिपकी रहोगी?
अब आओ तो थी। I'm so sorry my darling, मैं तो मम्मी को पारी कर रहा था, आपको पारी करना भूल गया। I love you my darling। प्रॉब्लम क्या है, एक नहीं दो है, अब आपकी बारी। अच्छा, मतलब हमारा कोई भाव नहीं रहा। हाँ देखो डार्लिंग, बच्चे होने के बाद वैसे ही माँ का भाव कम हो जाता है। यू आराम से ऑफिस जाना है। वो कैसे? बड़ा बताता हूँ, बच्चे होने से पहले बीवी सिर्फ पत्नी होती है, बच्चे होने के बाद माँ बन जाती है, फिर उसके बाद उलझनों का एक लंबा सफर शुरू होता है। और अभी तो बहुत बड़ी उलझन बाकी है जिसमें सारा घर उलझ जाएगा। ऐसी क्या उलझन है? इन दोनों के नाम रखने की उलझन जो है। वो तो मम्मी ने पैदा होते ही रख दिए थे, छोटी का नाम किरण, बड़ी का ज्योति। नाम भी रख लिए? मुझे मुझे अभी तक पता तक नहीं। मम्मी ने सोचा नामकरण वाले दिन तुम्हें सरप्राइज देंगी। सरप्राइज? सरप्राइज देना तो इस घर की खानदानी आदत है। लेकिन नाम तो सुनकर खुश हुए ना? हाँ, तुम्हारी मम्मी का बस चले तो वो तो मेरा नाम भी अपनी मर्जी से रख ले। तुम्हारा नाम? वो क्यों? हो सकता है ना, हो सकता है उनकी जबान को तकलीफ होती हो मेरा नाम लेते हुए, यू नो। ओ कम ऑन अमर, छोटी छोटी बातों पर नाराज होते रहे तो कैसे चलेगा? हाँ
मुझे मेरे दिल को सहारा मिले। ओ बेबी 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 मेरी प्यारी सी बेबी, बड़ी किस्मत से पाया तुझे। उठाया तुमने यहाँ से? जी जी कुछ नहीं। सीधी तरह से जवाब दो, क्या उठाया? मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मैंने कुछ नहीं लिया। क्या है तुम्हारे हाथ में बताओ? ये क्या हो रहा है, क्या बात है? तुम्हारे दोस्त ने कुछ चुरा कर छुपा लिया है। खबरदार जो मेरे दोस्त पर इल्जाम लगाया तो। मैंने अपनी आंखों से देखा है मैडम। आज मेरी दोस्ती और इज्जत का सवाल है गोवर्धन। बता दे इन सबको, बता दे इन सबको कि तूने चोरी नहीं की है। किरण और ज्योति दोनों के लिए ये एक तोहफा लाया था, लेकिन मैंने जब यहाँ पे इतने इतने सारे कीमती तोहफे देखे तो सोचा कहीं मेरे इस मामूली तोहफे की वजह से तुम्हारे गुजरे हुए कल की हंसी न उड़ाई जाए, इसलिए मैं ये तोहफा वापस। सुन लिया आपने, अब माफी मांगी इनसे। माफी? किस बात की माफी? अपनी गलती की माफी। हाँ भाग्यवान, सॉरी कहने से तुम्हारा कोई नुकसान हो जाएगा थोड़ी ही। आप बीच में मत बोलिए, जब हमने कोई गलती ही नहीं की है तो माफी किस बात की? मम्मी, और फिर जन्मदिन पर तोहफे दिए जाते हैं, दिए हुए तोहफे उठाते नहीं, इस तरह तो कोई भी शक कर सकता है। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ। आने दो यार, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए सबसे, गलती तो मैंने की है, इतना छोटा आदमी होकर इतनी बड़ी पार्टी में चलाया है। दर्शन जी, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अब तबीयत कैसी है? अब ठीक है। मैं साथ से के लिए अपनी और होटल की तरफ से माफी चाहता हूँ। कसूर आपका नहीं साहब, कसूर तो हमारी तकदीर का है। एक तरफ इस बिचारी की शादी का तूफान खड़ा है, ऊपर से ये तूफान खड़ा हो गया। मैं आपके साथ हूँ दर्शन जी, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते आपकी दवाइयाँ इंजेक्शन डॉक्टर सबका इंतजाम मैं करवा दूंगा। साहब आप क्या क्या करेंगे, वैसे तो डॉक्टर ने शाम को घर जाने के लिए कहा है। साहब बड़ी मुश्किल से अपनी अंधी बेटी का रिश्ता तय किया था, ओवर टाइम कर करके रुपए जमा कर रहा था कि अपनी बेटी की शादी अच्छी तरह से कर सकूंगा। इसकी शादी के लिए मैंने कार्ड भी छपवा लिए थे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं होटल की तरफ से आपके जख्मी होने का हर्जाना दिलवा दूंगा। हर्जाना तो होटल वालों ने दे दी है, 1500 रुपए। सिर्फ 1500 रुपए? अरे एक काम कीजिए, आप दोनों मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों को ज्यादा रकम दिलाता हूँ। आइए आइए। अरेटा जी, 6000 रुपए निकाल के देना मुझे। क्यों? वो जख्मी वर्कर की बेटी आई, उसे देना है। होटल की तरफ से 1500 रुपए हर्जाना उन्हें दिया जा चुका है। लगता है और पैसा निकालने के लिए उसने अपनी बेटी को आगे कर दिया है और आप आगे पीछे हो रहे हैं। अपनी जबान को लगाम दो रीटा, मत भूलो कि तुम एक सेक्रेटरी हो। और आप ही ये मत भूलिए कि आप इस वक्त सिर्फ मैनेजर हैं, दामाद नहीं। मालकिन की इजाजत के बगैर मैं एक रुपया भी नहीं दे सकती। Behave yourself, Rita. I do not like this at all. मैनेजर साहब, ये हमारा होटल है, यहाँ हंगामा करने की क्या जरूरत है? हंगामा तो आपकी सर चढ़ाई हुई सेक्रेटरी कर रही है, मैं नहीं। शायद ये तुम्हें हमारे होटल के उसूल समझा रही है। जहन्नम में गए ऐसे उसूल, वहाँ किसी का घर बर्बाद हो रहा है, मुझे उसूलों की बात समझा रही है? ये बिजनेस है मैनेजर साहब, हम बिजनेस दिमाग से करते हैं, जज्बात से नहीं। और तुम तो अभी इस मैदान के कच्चे खिलाड़ी हो, आहिस्ता आहिस्ता सब जान जाओगे। मगर किसी गरीब का खून इतना सस्ता नहीं कि उसे पानी के भाव भाया जाए। मालकिन साहिबा, इस होटल के मैनेजर होने की हैसियत से मैंने उन्हें 6000 रुपए देने का फैसला कर लिया है। मिस्टर अमर, फैसले मालिक करते हैं,
नौकर नहीं। अपनी कमाई से दान करने में शान है, औरों की नहीं। बाप के पास मेरा प्रोविडेंट फंड और इस महीने की तनख्वाह दोनों बाकी हैं, काट लीजिएगा। और कल से अपने उसूलों पे चलने वाला एक मैनेजर भी ढूंढ लीजिएगा। ये लीजिए माँ जी, पूरे 6,000 रुपए हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया। अजी शुक्रिया किस बात का, और किसी भी मदद की जरूरत हो तो मैं शाम को घर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप शर्मिंदा कर रही हैं, अब आइए मैं आपको नीचे छोड़ देता हूँ। आइए आइए। वही जो जिंदगी में पहली बार हमारे साथ हुआ है और हम पत्थर बने तमाशा देखते रह गए। माँ बेटी ने पता नहीं क्या जादू किया है, अमर बाबू तो उनकी बातों में ही आ गए। कहाँ होंगे इस वक्त? गया होगा वही उस बावर्ची के यहाँ हमदर्दी जताने। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। बेटी, इसी मनहूस दिन के लिए हमने तुम्हें मना किया था कि दूर रखो अपने आप को इन लोगों से। ये लोग हम अमीरों की दौलत को दोनों हाथों से लुटाने के लिए हमारी दुनिया में आते हैं, मगर तुम्हारे प्यार की अंधी जिद ने हमें अपाहिज बना दिया। ना चाहते हुए भी हमने अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारी शादी कर दी, लेकिन क्या मिला? बेइज्जती, रुसवाई, बदनामी, यही ना? संगीता, ये लोग हमारे साथ तो क्या, हमारे सायों के साथ भी चलने के काबिल नहीं होते। बगैर किसी मतलब के 6,000 की गड्डी एक नौकर की बेटी के हाथ में कोई रख सकता है? बेटी, ये जवानी होती ही ऐसी है, उसे ऊंच नीच का कोई एहसास नहीं होता। अभी तक जाग रही हो? आज जो कुछ भी हुआ उसे जानने के बाद मुझे नींद कैसे आ सकती है? मतलब कि तुम्हें भी पता चली गया। अमर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? देखो संगीता, मैं जिंदगी भर बंद कर नहीं रह सकता, और समझ लो ये बात। हाँ हाँ, अब तुम आजाद पंछी बन गए हो ना, जहाँ जी चाहे पर मार सकते हो, किसी के भी दिल और जज्बात से खेल सकते हो, क्योंकि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था वो मिल ही गया। अब तुम्हें उस चीज की कदर ही क्यों होगी? क्या संगीता, मैं एक मर्द हूँ और मर्द हमेशा अपनी मर्जी से जीता है। मर्द नहीं, तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और तुम्हारी माँ मेरी सास है, मैं उनके रहमो करम पर पलने वाला एक मजबूर दामाद हूँ। इसी बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ ना, तुम यही कहना चाहती हो कि मैं तुम लोगों के इशारों पर जिंदगी भर कठपुतली बनकर नाचता रहूं, यही ना? हाँ हाँ, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगा, क्योंकि मेरा तुम पर पूरा अधिकार है। और साथ में तुम्हारी माँ का भी है, है? जैसी माँ वैसी बेटी। हाँ क्यों? क्योंकि माँ ने तुम्हारी दुखती रग पे हाथ रख दिया। संगीता, क्योंकि माँ ने तुम्हारी असलियत मेरे सामने रख दी। संगीता, क्योंकि आज माँ ने मुझे बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। तुमने आज हमारी फूल जैसी बेटी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। बेटी, इसी दिन का डर था हमें, क्योंकि हम जानते थे बबूल के दरख्त को गुलाब के बाग में उगाने से उसमें खुशबू कभी पैदा नहीं हो सकती। देखिए, ये एक पति और पत्नी का जाती मामला है, आप दखल ना दें तो बहुत अच्छा होगा। मिस्टर अमर, इस चार दीवारी में होने वाला हर मामला हमारा मामला है। ये घर हमारी बेटी का घर है, यहाँ सब कुछ हमारा है। तुम्हारा इस घर में क्या है? कुछ भी तो नहीं। अरे इन बेजान चीजों को तो छोड़ो, ये जीती जागती बेटी भी हमारी है। है नहीं थी, अब ये मेरी धर्म पत्नी है। हमारी बेटी के साथ तुम्हारे धर्म निभाने का ये तरीका नहीं चलेगा। आखिर तुम हो ही क्या, दो कौड़ी के नाचने गाने वाले, हमारी तनख्वाह रहम पर पलने वाले? जरा गौर से देखो इस घर को, इस घर का सब कुछ हमारा है। मैंने आपसे कभी कुछ मांगा थोड़ी था जो आप ये। तुम जैसे लोग मांगा नहीं करते, उन्हें मिल जाया करता है मिस्टर अमर। जिस तरह अमीर की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को अच्छा खाना मिल ही जाता है,
रुक्मणी जी, अच्छा हुआ आज आप लोगों ने मुझे बता दिया कि मेरी इस घर में हैसियत क्या है। हमारी बेटी को उठाकर ले गया। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाती हूँ, पुलिस उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेगी। आगेवान, घर के मामले को बाहर मत निकालो। जो इज्जत हमारी बनी है उसे तमाशा मत बनाओ। वो किसी गैर की बच्ची को नहीं ले गया है, अपनी बेटी को ले गया है। और बेटी, तुमने तो दो बच्चे नहीं मांगे थे, एक ही मांगा था। शायद इसीलिए भगवान ने दो औलादे दी है। और फिर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी, माता वैष्णो देवी की मन्नत ही पूरी नहीं की। आप चुप रहिए जी। संगीता बेटी, तू फिकर मत कर, वो भिखारी जाएगा कहाँ, घूम फिर कर वापस यही आएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह, गंगाधर। यस। आओ आओ, इतने साल कहाँ के तुम? इंग्लिस्तान। ओह, कैसे आना हुआ? वेल, आपकी बेटी संगीता के बारे में सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, इसीलिए दौड़ता हुआ मैं इंग्लिस्तान से सीधा हिंदुस्तान चला आया। हम समझे नहीं। आपकी बेटी की बेटी, यानी कि आपकी दोती, उन दोनों को मैं अपनाना चाहता हूँ। क्या मतलब? आंटी प्लीज प्लीज डोंट गेट एंग्री, मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। इस मामले में हमें अपनी बेटी संगीता से पूछना पड़ेगा। लेकिन आप जरा जल्दी कीजिए, क्या है कि उम्र के साथ साथ टेंशन भी बढ़ती जा रही है और मैं ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं कर सकता। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं गंगाधर प्रसाद जी, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो एक हाथ के बाद दूसरे हाथ से सिंदूर भरवाना पसंद कर लेती है। संगीता, मम्मी, मैंने अपने दिल के मंदिर में एक ही मूरत बसाई थी, भले ही वो मूरत नहीं रही मगर उसकी जगह कोई और मूरत नहीं आ सकती। इनसे कहीं अपना घटिया ख्याल और घटिया रिश्ता लेकर यहाँ से फौरन चले जाएं। घटिया? बेटी, घर में आए हुए मेहमान के साथ? मेहमान? मेहमान तो वो होता है मम्मी जो खुद की भी इज्जत करवाता है और दूसरों की भी इज्जत करता है, किसी को इस तरह बेइज्जत नहीं करता। This is my insult. मैं जा रहा हूं। मम्मी, अगर मैं और मेरी बच्ची इस घर पर बोझ बन गए हैं तो पहले ही कह दिया होता, चली जाऊंगी ये घर छोड़कर। संगीता, हम जो भी सोचते हैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए, मुझे अब किसी की भलाई और हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने सोशल वर्क में ही खुश हूँ, मगर हम खुश नहीं हैं। हम तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहते हैं, उसे अब अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये बंगला, ये गाड़ियाँ, रुपए, जायदाद सब किसके लिए है? सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम हमारा बिजनेस संभालो, हमारे होटल का मैनेजमेंट संभालो और अपनी जिंदगी संवारो। ये सोशल वर्क, गरीबों के घरों में झांकना, लूले लंगड़े अपाहिजों का इलाज करवाना, अनाथ आश्रम और अस्पतालों में जाना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर इसमें तुम्हें मिलता क्या है? मम्मी, ये तुम नहीं समझोगी, मैं सोशल वर्क इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी पिछली जिंदगी भुलाना चाहती हूँ। अरे,
माय गॉड, आई एम सॉरी सर, आई एम टेरिबली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। वो आपको कहीं चोट तो नहीं आई? मैं कौन? गोवर्धन। कौन? अरे गोवर्धन, मैं अमर। अरे साले, कितने सालों से कहा था तू? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बता कि तेरे को ड्राइविंग का लाइसेंस कौन दिया? सॉरी यार, वो अपने आप में खोया होता। कहा है यार, कैसा है तू? तू बम्बई में क्या कर रहा है? बहुत लंबी कहानी है यार, तुम ऐसा चल, मैं तुझे सब बताता हूँ। हाँ चल। उसके बाद रेडियो और टेलीविजन के लिए छोटे छोटे एडवर्टाइजिंग गाने गए, यू नो जिंगल्स। ओह यस। टेलीविजन के लिए सीरियल्स बनाए, एडवर्टाइजिंग कंपनी खोल ली, बस भगवान की कृपा से आगे बढ़ता गया और मैं पीछे हटता गया। सिर्फ एक ही चीज बढ़ती रही, मेरे चश्मे का नंबर। लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। अभी मेरी उम्र ही क्या है? अबे ओ कंजूस, अपनी उम्र की तरह इस घर का खाना पीना कम मत कर देना, क्योंकि आज से इस घर का ये डिपार्टमेंट मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। घर का डिपार्टमेंट मेरे हवाले? तब तो मुझे दूरबीन खरीदनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि घर के कारोबार में नजर रखनी होगी। अबे यार तू बाज नहीं आएगा। अच्छा एक चीज बता, शादी वादी की नहीं तूने? नहीं यार, शादी नहीं की। क्यों? जिस दिन से तेरा घर बिखरा हुआ देखा, घर बसाने की तमन्ना ही मर गई। डैडी, मेन खुली की मेन खुली, जिससे महके आंगन मेरा, तू है वो अनमोल कली। ओए ऐसे घूर घूर क्या देख रहा? विश्वास नहीं आता, कल तक झूले में झूलने वाली आज जमीन पे दौड़ने लगी। ये नन्नी मुन्नी प्यारी, जी प्यारी। हाँ, यही है किरण, हमारे घर का उजाला। यानी इतने दिनों तक मैं अंधेरे में रहा? क्या आपके घर में लाइट नहीं है? ए, अरे बेटा लाइट तो बाद में, घर ही नहीं है अपना। हाँ, हाँ, ये घर तुम्हारा भी है। देखो बेटा, ये तुम्हारे डैडी के बहुत पुराने दोस्त हैं और तुम्हारे अंकल, और आज के बाद ये तुम्हारी और इस घर की जिम्मेदारी सब इनकी है। हाँ? आपसे कोई मिलने आए हैं? कौन है भाई? अरे किरण, तुम्हारे डांस टीचर का इंतजाम किया था ना, वही है। जिम्मेदारी मेरी। चल बाहर बैठते। हाँ तो दिखाइए। अयो क्या दिखाना? वही जो आप दिखाने आई हैं, कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी, भेलपुरी, डिस्को डांसिंग। ये सब दिखाना हमारा उम्र है क्या? अम्मा, ये हमारा बेटी चंचल। नमस्ते। सो तो लगती है, लेकिन इसका नाम क्या है? नाम चंचल। ओहो, नाम चंचल। हाँ। तो आपका नाम जरूर बिरबल होगा? नहीं नहीं, हमारा नाम बिरबल नहीं, हमारा नाम कोमल। कोमल? आमा। कोमल, कोमल तो कली होती है जो खिल के फूल बन जाती है, और आपको तो गोभी का फूल भी नहीं कह सकता। बकवास मत कीजिए, हमें अमर बाबू से मिलना। ओ यस, आइए आइए आइए। आप हैं अमर साहब और ये है वो हमको सिंगानिया साहब भेजा। हमारा नाम कोमल और ये हमारा बेटी चंचल। नमस्ते जी, आइए बैठिए। मैं जरा किचन में चिकन देखता हूँ। नृत्य कला में इसको बहुत अवार्ड मिला। अच्छा, हमारी किरण को भी नृत्य सीखने का बहुत शौक है। नमस्ते करो। नमस्ते। मेरा चंचल ऐसा नृत्य सिखाएगा कि 2-3 महीना में आपका बेटी हवा में डांस करेगा। तई तई तत आ, तई तई तत ता, तई तई तत ता, तई तई तत ता, तई तई तत आ, तई तई तत ता, तई। नमस्कार अमर बाबू। अरे वाह वाह, कैसे चल रहा है सब? सलाम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मिस्टर पुरी। गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी, आई एम लेट। नहीं कोई बात। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कम राइट इन मिस्टर पुरी। सर, आपने जो हमारे लिए कपड़ों का ऐड बनाया था, उस कंपनी का बिजनेस 50% बढ़ गया। Really? आप जिस कंपनी का ऐड बनाते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। Excuse me sir, कोई मिस्टर खन्ना आपसे मिलना चाहते हैं। Ask him to wait. सर, वो एक टॉमको सोप का एक ऐड कहा था बनाने के लिए, इज इट रेडी? ऑफ कोर्स, लो यहाँ है। मिस्टर मेहता, जस्ट शो टू हिम। ओके भाई, हमने आपके साबुन के लिए ऐसी फिल्म बनाई है कि लोग आपके साबुन से नहाना तो क्या, खाना शुरू कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, देखने की जरूरत नहीं, आपने जो बनाया योर नंबर वन, आप जो बनाएंगे परफेक्ट होगा। देख ये डिजाइन बनाते हैं। हाय हाय पापा। हाय बेटा। यहाँ पे रेड कलर। तो भाई डांस टीचर नहीं है क्या? अरे ये डांस टीचरें होती है ऐसी, पहले खुद डांस करती है, फिर सारे घर को डांस करवाती है। अयो हम थक गए जी, बहुत थक गया। सॉरी सर, आने में जरा सी देर हो गई। जरा सी नहीं, बहुत देर हो गई, 7:30 बज गए। देखिए अगर आप लोग इतनी लेट आएंगी तो किरण को पढ़ाई का वक्त बिल्कुल नहीं मिलेगा।
तो आंदा प्लीज टाइम पे आया कीजिए। देखो जी अमर बाबू, हम लोग बहुत दूर से आता है विरार से, घर से बस का लाइन, बस से ट्रेन का गर्दी, धक्का बुक्की, बहुत तकलीफ होता है जी विरार से आने को। वैसे तो लोग झुमरी तलैया से भी टाइम पे आ जाते हैं। देखिए बहुत तकलीफ है जी, यहाँ पे घर भी तो नहीं मिलता है। तो इसमें नई बात क्या है, बम्बई में घर ही तो नहीं मिलता। अमर जी आपका गुरका बोला आपके घर के पीछे खोली है करके। घर के पीछे में कोली है, कोली में बिल्ली है, चूहा है, चूहा के चूही है। आगे चलेगा जी, दो चार दिन का तो बात है। हमको पास में घर वैसे मिल भी रहा है। हाँ, दो चार दिन में मिल जाएगा, उसके बाद आपको कोई शिकायत नहीं। हाँ ठीक है, दो चार दिन की बात है और फिर किरण का शौक भी है। अयो अमर जी का कैसा शुक्रिया करना मालूम नहीं। मालूम नहीं ना, नहीं मत करो। वो बहुत भूख लगा जी, नाश्ता नहीं आया, नाश्ता किधर है? वो आज क्या है कि बावर्ची छुट्टी पे है, नाश्ता कहाँ से आएगा भाई? तो ये कहाँ से आया? ये तो मैंने बिटिया के लिए बनाया है। तो आप हमारे लिए भी एक ऐसा ऑमलेट बना के लाओ ना, लाओ ना खिलाओ। आपके लिए मैं बनाऊं ऑमलेट? हां और आपके लिए? ठीक है बनाता हूँ ऑमलेट। अच्छा बड़ा वाला, पेट भर के खाना। बड़ा ऑमलेट बना के दो, बड़ा ऑमलेट बना के दो, छह अंडे का ऑमलेट बनाओ। छह अंडे का ऑमलेट कहाँ से बना के, यहाँ तो एक ही अंडा है, कैसे बनाऊ ये मद्रासन के लिए? ये क्या येलो यज्ञ शैम्पू? ऐसा रॉकेट फूटेगा, मद्रास को भाग जाएगा। लीजिए मैडम कोमल गोभी, आपका बड़ा ऑमलेट। थैंक यू जी, जल्दी से खा लो, तैयार होना है। अम्मा हम तुम्हारा कांटा लेगा, खा लो। मुझे झाक आयो आयो और था ना तुमने पीछा आया आया। क्या हुआ क्या हुआ? तुम हमको क्या खिलाया, हमको मार डालेगा। अरे रे रे रे, मैंने मुंह में झाक है, क्या खिलाया तुम हमको? अभी तो सिर्फ मुंह से झाक निकला है। मेंढकुली की चेन खुली। छूट कर आए स्कूल से, देखो हमारी लाल परे। छूट कर नहीं डैडी, पोस्टमैन की चिट्ठियों की तरह ढेर सारी छुट्टियाँ लेकर आई हूँ। जल्दी से बताओ घुमाने कहाँ ले चलोगे? वो डैडी आप मत सोचिए, हम बताते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अजंता एलोरा, उसके बाद कश्मीर, ऊटी, शिमला। हाँ, वो तो सब ठीक है, मैंने तुम्हें घुमाने का वायदा भी तो किया था, मगर अगर मगर के टाल मटोल में हम फंसने वाले नहीं है। नहीं बेटे, वो क्या है कि ये अचानक टीवी सीरियल का काम आ गया ना, इसलिए हम कुछ नहीं जानते, कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं बहाना नहीं बेटा, वो क्या है कि मैं तो घुमाने तो लेके जाने वाला था, लेकिन क्या है कि देखिए हम आपसे कट्टी ले लेंगे, कभी बात नहीं करेंगे। आपका ये काम हर साल हमारा प्रोग्राम खराब कर देता है। अरे हाँ याद आया, तुम्हें कहा था ना कि इन गर्मियों की छुट्टियों में तमाम स्टेट के स्कूल की बहुत बड़ी गैदरिंग है, जहाँ हर शहर के स्कूल के बच्चे जमा होने वाले हैं। हाँ, कहा था। तो फिर उसी गैदरिंग में क्यों चली जाती? छुट्टी की छुट्टी हो जाएगी और पिकनिक की पिकनिक। कुछ नहीं, मुझे आपके साथ घूमने जाना है। ओ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो अगर मैंने ये काम वक्त पर खत्म ही किया ना, तो तुम्हारे डैडी का नाम बहुत खराब हो जाएगा। अरे बाबा तुम्हें ऐसे गैदरिंग में जाना चाहिए, वहाँ तुम्हें अलग अलग शहर की, अलग अलग जात की, अलग अलग जबान बोलने वाली लड़कियां मिलेगी, और वहां तुम्हें उनके साथ रहने का मौका मिलेगा, उनके साथ फ्रेंडशिप बढ़ाने का मौका मिलेगा। मुझे फ्रेंडशिप कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ घूमने जाना है। अरे बाबा जाएंगे जाएंगे जरूर जाएंगे। देखो जब तुम उस गैदरिंग से वापस आ जाओगी ना, तो मेरा यह काम खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारे डैडी तुम्हारे साथ। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस।
एंड कुली की मैंड कुली। ओहो, इतनी देर, जल्दी करो। दिया, जल्दी चली करो। अरे ओ किरण साहब, का सामान निकाल देखी से। कम ऑन किरण, कम ऑन। देखो किरण, पिकनिक में शरारत मत करना और अपना ख्याल रखना, समझे? ख्याल रखना। हाँ हाँ, हम तो अपना ख्याल रखेंगे, मगर आप भी अपना ख्याल रखना। आप रोज ऑफिस से देर से आते हैं और घर में भी देर तक काम करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बेटी अपना ख्याल रखना। दादी, इन सब की मायने छोड़ने आती हैं, मगर हमारी तो कोई माँ है ही नहीं। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं हूँ ना। तुम माँ नहीं हो, तुम टीचर हो। मैं अमर कपूर, किरण कपूर का फादर। नमस्कार। देखिए, ये पूरे 2500 रुपए हैं, आप अपने पास रख लीजिए। वो आपसे एक विनती है कि वापसी में जब किरण आ रही हो, जब आपका पिकनिक खत्म हो जाए तो उसे बाय एयर भेज दीजिए। मुझे टेलीग्राम कर दीजिएगा, मैं एयरपोर्ट पे उसे रिसीव कर लूंगा। थैंक यू किरण, चलो चलो। बाय दादी, डोंट वरी, बाय, टेक केयर। चलो चलो बाकी बच्चे, चलो चलो जल्दी करो। अम्मा, हम घर का पीछे तो आ गया, अभी जल्दी घर का अंदर भी जाना मांगता है। घर के पीछे का हिस्सा तो हाथ आ ही गया है, घर के आगे का हिस्सा भी हाथ आ ही जाएगा। अयो, लगता है अपना धंधा में तुम अपना अम्मा से भी आगे जाएगा। अम्मा यार, कौन है? तू? हाँ मैं, कल्लू कल्लन कालिया। लोग देते हैं मुझको गालियां, मगर यहाँ कैसे आ गया तू? कुत्ते की तरह तुम लोग को सूंघते सूंघते हड्डी खाने आ गया। क्या जबरदस्त जगह टांग मारा है बाप। अरे तू जाता है कि नहीं? अरे मेरी कमीनी बहन, मैं तुम लोगों के ऐसे फंसाए हुए घर में जाने के लिए तो आता हूँ, मगर ऐसे नहीं। माल निकाल। अरे जान हरामी। हरामी तो मैं हूँ, मगर स्पेशल हरामी। अयो, हम तुमको पैदा करके पछताया। अयो, हम तो तुम्हारे यहाँ पैदा होके पछताया। चलो अबे जल्दी से माल निकालो। अरे कैसा माल, हम तो आज ही इधर आया। तब तो तुम लोग को आज इधर से जाना पड़ेगा, हमको माल दे दो, नहीं तो हम सेठ को तुम लोग के इस धंधे का फुल चौपड़ी खोलकर बता देगा। साला हरामी, ये ले ले ले। बस 20 रुपया। इसमें तो चंपा आएगी। ठीक है, आज की रात हम चंपा के साथ ही गुजारेगा। अयो, हम कैसा शैतान पैदा किया। राम राम। शैतान नहीं, कल्लू कल्लन कालिया। लोग देते हैं मुझको गालियां। आओ बेटे आओ, ये लो, आओ आओ आओ, लो लो। चलो बेटे। अरे इधर भी तू, उधर भी तू, बिल्कुल तेरी जैसी लग रही है। चुप रहे। अयो, वो लड़की तुम्हारी जैसा लगता। मैं तो वाई गुरु तक चश्मा लगता है। ए ज्योति, देख देख, वो तेरी तरफ ही देख रही है। वो देखो, कुड़ी तेरी जैसी लग दी है, वो इतने देख रही है। साइलेंस बच्चों। बच्चों, जानते हो, हम सब अलग अलग स्टेट से, अलग अलग हिंदुस्तान के शहरों से यहाँ क्यों जमा हुए हैं? क्यों? ताकि हम एक दूसरे को जान सके, पहचान सके कि हमारा देश कितना बड़ा है, कितना महान। हाँ, और एक खुशखबरी, कल शाम कंपाउंड में एक कॉम्पिटिशन होगा। हर एक अपने अपने स्टेट का एक खास आइटम पेश करेगा।
जाता है
अयो वो तुम्हारे जैसे शक्ल वाले लड़की इधर ही जा रहे जी। इतनी घूर घूर के क्यों देख रही हो? खा जाओगी क्या? मैं क्यों अपनी जबान खराब करूँ? करेक्ट है जी। तो फिर घूर घूर के आँखें क्यों खराब करती हो? वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी जैसी दिखती हो। ठीक है जी। और तुम जानती हो तुम किसकी तरह दिखती हो? किसकी जैसी? रावण की बहन सूर्पनखा जैसी, जिसकी नाक लक्ष्मण ने काट दी थी। अच्छा हुआ। You stupid. मजा आया। किसने काटा जी? मुझे कुछ नहीं मालूम है। तूने मेरा फ्रॉक काटा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मेरा क्या निकालेगी? अरे तुझे खूब बताएगी। तुम दोनों इसी कमरे में साथ रहोगी। तुम दोनों के एक साथ इसलिए रखा गया है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहचान सको। बी गुड गर्ल्स, अंडरस्टैंड? कम ऑन टीचर। तुम दोनों में दोस्ती हुई या नहीं? इसी तरह साथ रहोगी तो दोस्ती हो जाएगी। वेरी गुड। हीरो हैं, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, संजय दत्त। मैं इन सब की फैन हूँ। मैं हफ्ते में डैडी के साथ एक दो पिक्चरें देख ही लेती हूँ, लेकिन थिएटर में, वीडियो पर नहीं। और तुम कहाँ देखती हो, वीडियो पर या थिएटर में? ना थिएटर में ना वीडियो पर। हमारी नानी बहुत स्ट्रिक्ट है। वो कहती है फिल्म देखने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसका मतलब तुमने कोई फिल्म देखी नहीं। सो सैड। तुम्हारा बर्थडे क्या है? 5th October 1979। अच्छा, मेरा बर्थडे भी 5th October 1979 ही है। अच्छा, और तुम पैदा कहाँ हुई थी? मैं दिल्ली में। मैं भी दिल्ली में पैदा हुई थी, लेकिन जब मैं छोटी थी तब हम बॉम्बे में शिफ्ट कर गए। ओ, अरे चलो बारिश बंद हो गई, हम लोग बाहर जाके बैठते हैं। अच्छा हाँ, एकदम क्लियर हो गया। आओ, दिल्ली में तुम तुम्हारी मम्मी डैडी के पास रहती हो? नहीं भाई, मैं तो अपनी मम्मी और नानी के साथ रहती हूँ। पापा तो बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। अच्छा, मेरी भी मम्मी नहीं है। मैं डैडी को जब भी मम्मी के बारे में पूछती हूँ, वो कहते हैं कि मम्मी के बारे में कभी नहीं पूछना। वैसे मैंने उनके कबर्ड में बहुत बार मम्मी की तस्वीर देखी है। अरे चलो, टी टाइम हो गया, चलकर कुछ खाते हैं। तुम्हें तो सिर्फ खाने की पड़ी है, कुछ अजीब सा नहीं लगता?
कि हम दोनों की शक्लें एक हैं, जन्मदिन भी एक है। तुम्हारी मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है। तुम अपने पापा के साथ रहती हो, मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ। एक मिनट, जरा अंदर आओगी? मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत है, देखोगी मेरी मम्मी को? तुम्हारे पास कैसे आई? ये मेरी मम्मी है, ये तो मेरी भी मम्मी है। झगड़कर अलग हो गए हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब क्या करना चाहिए? Yes, I got it. What an idea. तेरे जैसा मुखड़ा तो पहले कहीं देखा नहीं, सारी दुनिया देखी मैंने हो। पापा कितना अच्छा गाते हैं। पापा नहीं, डैडी। देखा, बन गई ना तो किरण। अब किरण और ज्योति में कोई फर्क नहीं होगा। तूने डैडी को नहीं देखा और मैंने मम्मी को। तू बॉम्बे जाएगी और मैं दिल्ली। आइयो, सर दर्द के लिए दारू का नशा नहीं जी, दूसरा नशा होना। तुम लेट जाओ जी। मालिश का नशा जी, मेरा बेटी सर दबाएगा तो सब निकल जाएगा तुम्हारा सर दर्द। नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैं बस एक ड्रिंक लूंगा। बस मैं थोड़ी सी मालिश कर देती हूँ, सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देना। कैसा लगता जी? आमा बेटी चंचल, अच्छे से दबाना, जोर से जोर से। थैंक यू वेरी मच अंजलि जी, थैंक यू। अच्छा, अभी आप आराम से सो जाना। मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बस ड्रिंक खत्म करूंगा, सो जाऊंगा। ठीक है। प्यार की बात।
आज की रात दोनों साथ प्यार की बात चला सकते हो, तुम चाहो तो मेरे पास और भी आ सकते हो, आज की रात दोनों साथ प्यार की बात चला सकते हो। कुछ याद नहीं, मैं नशे में था। अरे तुम होश में नहीं था, ये तो होश में था। साला हल्कट, नाम खराब कर दिया, भूख काला कर दिया, हरामी हल्कट। देखिए चिल्लाइए मत। अरे चिल्लाएगा नहीं तो क्या करेगा, हमारा खानदान का इज्जत खलास कर दिया। चल निकल, मार डालेंगे तेरे को। चलो बच्चे चलो, चलो हैव अ नाइस जर्नी, बाय बाय। हर शुक्रवार मुझे फोन कर लेना। ठीक है मगर रात 11 बजे। इतनी देर से? तब तक सब लोग सो जाते हैं ना, इसलिए। और कोई जरूरी बात हो तो कोड वर्ड में टेलीग्राम कर देना। ज्योति तुम्हारी गाड़ी आ गई है। बोलिया बीबी जी। कुछ नहीं। हाँ प्यारी बेबी, प्यारी गुड़िया रानी, बोल जय जय। अरे एक हफ्ते में सब भूल गई। जय माता दी। हाँ। जय माता दी। तू
जी, नानू जी। नानू क्या? अरे भाई एक हफ्ते में नाना नानू कैसे बन गया? उसने तो मुझे नानू ही बताया था। किसने? वो हमारी टीचर ने। वो कहती है कि नानू को नाना भी कह सकते हैं और नाना को नानू भी कह सकते हैं। नानू कहने से प्यार ज्यादा बढ़ जाता है और नाना कहने से प्यार थोड़ा कम हो जाता है। शरीर कहीं की। ये क्या? अरे मिठाई की तरह मेरी कमीज क्यों सूख रही है? मैंने सुना था कि नानू के कुर्ते में से मीठी मीठी चिरूट की खुशबू आती है और जेब में से खट्टी मीठी गोलियों की। चिरूट, चिरूट की खुशबू। कहीं तेरी नानी ने सुन लिया कि मैंने फिर से चिरूट फूका है? तुझे तो पता है ना कितनी मुश्किल होगी। हमें तो सब पता है। सब पता है। लेकिन मम्मी कहाँ है? मम्मी वो अनाथ आश्रम गई है किसी काम। जी कल का क्या प्रोग्राम? वो देख तेरी मम्मी आ गई। तो कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं तुझे लेने नहीं आई इसीलिए नाराज हो गई। लेकिन ये बाल, ये क्या हो गया? तुम कितनी अच्छी हो, कितनी सुंदर हो तुम, सीता और सरस्वती जैसी माँ हो। ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? ज्योति तुम्हें इतने दिनों के बाद देखा ना, इसीलिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे ऐसे देख रही हो जैसे पहले कभी देखा ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया इसे, अजीब अंदाज हो गया इसका। कब आई बेबी? कैसी रही तेरी पिकनिक? बहुत मजा आया, बहुत अच्छी रही। लेकिन ये बालों को क्या हो गया? वो बाल उसने काट दिए। उसने? किसने? वो टीचर ने। क्यों? वो ऐसे ही अपनी मर्जी से। मगर ये हिल क्या रही है, सीधी तरह खड़ी रह। ओहो मम्मी, अभी अभी तो आई है और आपने डांटना शुरू कर दिया। चल बेटी चल। कैसे बेटे? हाउ इज इट? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? डैडी, आप कितने हैंडसम हैं। हैंडसम? ये तो जी क्या हो गया? वो क्या है ना डैडी, हम इतने सालों बाद मिले हैं ना। इतने सालों बाद? मेरा मतलब है एक हफ्ते बाद मिले हैं ना। डैडी, आपके बिना तो हमारा एक एक दिन 100-100 साल के बराबर हो गया था। ओहो, इसका मतलब कि तुम्हारी नजर में हमारी उम्र 700 साल की हुई। हाँ। अच्छा ये बता, तुम्हारी पिकनिक कैसी रही? डैडी, हम पिकनिक पर तो सिर्फ वक्त गुजारने गए थे, मगर वहाँ जाकर तो वक्त ही बदल गया। वक्त ही बदल गया? हाँ, किस्मत भी बदल गई। किस्मत भी बदल गई? तुम्हें वहाँ कोई जोची वोची मिला था क्या? नहीं नहीं डैडी, जोची नहीं, हमें तो सब कुछ मिल गया था। ये क्या अनाशना बोल रही हो, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। डैडी, जो बात आप समझ रहे हैं वो नहीं है, जो बात आप नहीं समझ रहे हैं वो है। क्या उलट सुलट बात करी, बाहर की हवा तो उसे लगी। अपना पैकेज काट दो। चल सामान है। अच्छा तो मन तो चलो, मैं गाड़ी गैराज में लगाता हूँ। राम सिंह जी साहब, राम सिंह गाड़ी से सामान निकालो। आ गई हमारी प्यारी बेटी किरण पिकनिक से, आ गई, वेलकम होम। अरे तुम हमको ऐसे घूर के क्यों देखती हो, हम कोई चोर दिखते हैं? आप अंकल गोवर्धन जी हैं। नहीं तो क्या हम डाकू मंगल सिंह लगते हैं? नहीं नहीं नहीं, ओ फैंटास्टिक, यहाँ पर भी गार्डन है। यहाँ पर भी? वो पिकनिक पर भी गार्डन था ना, तो यहाँ पर भी गार्डन है। अरे जब तुम पिकनिक गई थी तब भी यहाँ पे गार्डन था, क्या 7 दिन में मैंने गार्डन उगाया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, कहीं धूप में खेली थी क्या ज्यादा? देखूं? हाँ हाँ, बस मेरे लिए सब कुछ बदला हुआ है। अरे बेटी, वक्त और मौसम के साथ तो हर चीज बदल जाती है, तुम्हारे चेहरे का रंग ही देखो ना, 7 दिन में कितना बदल गया है। हा? चलो चले। पर उसने तो कहा था कि सीढ़ी बाई तरफ है, लेफ्ट साइड पर। लेकिन सीढ़ी तो राइट साइड पे है। पर उसने कहा था सीढ़ी लेफ्ट साइड पर है। अरे उसने किसने कहा था? क्या बके जा रही है, तेरा दिमाग जरूर बिगड़ गया है। तो धूप में बहुत खेली होगी, गोलगप्पे बहुत खाए होंगे। चल ऊपर, मैं तुझे हवा बाण हरडे खिलाता हूँ और तुझे एनिमा भी दूंगा। अरे तुम्हें क्या पता हमने क्या क्या किया, कुंग फू किया,
कराटे किया। अरे बहुत मजा आया। अरे बेटी तू जब से आई है सिर्फ मारा मारी की ही बातें कर रही है। वहाँ कोई ब्रूस लिया डारा सिंह मिल गया था क्या? अरे नहीं कोई भी नहीं मिला। तो फिर क्या, ये तो कुंग फू किया, कराटे किया, और भी कुछ किया वहाँ? किया ना, वहाँ से यहाँ जो आ गए। तो उसमें नई बात क्या है, यहाँ तो आना ही था। चलो ड्राइंग करते हैं। हमें ड्राइंग में इंटरेस्ट नहीं है। अरे पहले तो तुम्हें ड्राइंग में रंग भरने में कितना इंटरेस्ट था। मैंने आपसे कहा ना मेरा मूड नहीं है। तेरी तो कोई बात मुझे समझ में नहीं आ रही। पहले तुझे ऑमलेट इतना पसंद था, अब मेरा मूड नहीं है। पहले तुझे मीठा इतना पसंद था, अब मेरा मूड नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता। मूड नहीं है, मूड नहीं है, मूड नहीं। देखो भाई अब मेरा भी मूड नहीं है। मेरे दिमाग के मैदान में अब बेवकूफी की घास उगने लगी है। अब मैं जाके हवा बाण हरड़े खाता हूँ। यस। मगर हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारा ये मूड, तुम्हारे ये अंदाज क्यों बदल गए हैं, तुम्हारे पुराने शौक खत्म क्यों हो गए हैं, और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हें बदलने वाला कौन है। नहीं पापा। पापा? मेरा मतलब है नहीं डैडी। घबराती क्यों, वो तो हमारी बेटी ना, और फिर एक बाप अपनी बेटी को कैसे नहीं पहचानेगा। तुम्हारी सारी नाराजगी और ये मूड ऑफ इसलिए ना कि हमने तुमसे वादा किया था कि जब तुम पिकनिक से वापस आ जाओगी तो हम तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएंगे, यही है ना? नहीं डैडी, ऐसी बात नहीं है। अब हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, बस सिर्फ अपने डैडी के पास ही रहेंगे। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। I love you. हमें सिर्फ डैडी चाहिए, घूमना नहीं। मतलब हमारे साथ घूमने का प्रोग्राम और वादा दोनों कैंसिल? 100% कैंसिल। अभी तो आपको छोड़कर घूम कर आए हैं, फिर क्यों जाए? ओह थैंक गॉड। बेटा तुमने अपना ये प्रोग्राम कैंसिल करके मेरे सर से बोझ हल्का कर दिया। अब तो मेरे सारे कमिटमेंट्स पूरे हो जाएंगे और उससे मेरा फायदा होगा। हमारे भी तो फायदा हुआ है। क्या मतलब? ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, हाई लेवल की बात है। हाई? बड़ी अंग्रेजी बोलने लगी। हाँ हेलो, कौन? हाँ मैं ज्योति बोल रही हूँ। ज्योति, माँ कितनी सुंदर है री, पापा भी कितने हैंडसम हैं। मतलब क्या तूने माँ का सारा मैदान जीत लिया? हाँ, और पापा का ढेर सारा प्यार भी। ज्योति, डैडी को माल मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। एक किस राइट गाल पे तो दो किस लेफ्ट गाल पे, और मेरी तरफ से भी मेरी मम्मी को खूब खूब प्यार करना। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, कोई सुन लेगा। है ना, थोड़ी देर और बात करते हैं। रख दिया। तो फिर आ गया? हाँ मैं कल्लू कलन कालिया। रात गए तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? घबराओ मत, रात के अंधेरे में मुझे मेरा साया भी नहीं देख सकता। बाहर से अंदर, अंदर से तिजोरी के अंदर, और फिर सारा माल अंदर। ये अंदर बाहर का खूब चक्कर चलाया हराम खोरो। अरे कमीने कुत्ते, तुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो हमारी की किराए पर पानी फिर जाएगा। अरे मगर उस चिकने ने तुम्हें गैरेज से अंदर कैसे आने दिया? अरे उसको दारू पिला पिला के चक्कर चलाया, फिर नशे में तुम्हारी बहन की इज्जत लूटने का इल्जाम लगाया। वो हमारे पंजे में आ गया, अब तू जाए यहाँ से। ठीक है, जाता है कल्लू कलन कालिया, मगर बाद में ना देना गालियाँ। हमारे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे तुम्हारा हाथ सीधा उसकी तिजोरी के अंदर। हाँ हाँ, क्या आइडिया है? नमस्ते अमर बाबू। नमस्ते जी। ये है हमारा बेटा कालिदास, आज ही दुबई से आया। ऐसे ये अंदर आओ ना माँ। क्यों, क्या हुआ आपकी बेटी को? अयो 5 दिन से ना कुछ खाना खाता है ना पानी पीता है, खाली आँख से पानी छोड़ता है। हम अपना बेटा को दुबई में चिट्ठी लिखा, वो पहला प्लेन लेके हिंदुस्तान आ गया। मगर ऐसी क्या बात हो गई, आप साफ साफ बताइए। अयो एक माँ होके इतना गंदा बात साफ साफ कैसे बताएगा जी? हमारा तो सभा नहीं चल जाएगा। अमर, मैं कुछ समझा नहीं, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? अयो अमर बाबू, वो दिन तुम नशा में गलती किया और परसों हमारे पेटी उल्टी किया।
वो आपका बच्चे का माँ बनने वाला है। ये आप क्या कह रही हैं अमर साहब? लेटर मिलते ही हमारे सामने पूरा दुबई हिल गया। हम खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, पहला फ्लाइट पकड़ के सीधा इधर आ गया। हम बहुत शरीफ लोग हैं अमर साहब। देखिए अगर ऐसी बात हो गई तो आप लोग डॉक्टर से। नहीं, हम भगवान से डरता है, ऐसा पाप नहीं कर सकता। मगर देखिए मैं सब मेरी बच्ची की इज्जत बचाओ। मेरी बहन से शादी कर लीजिए साहब। शादी? हम आपके पाँव पड़ रहे हैं साहब। अरे बेटा इनको समझाओ, मेरी बहन से शादी कर लीजिए साहब। मेरी इज्जत बचाओ, मेरी बच्ची की इज्जत बचाओ अमर बाबू। अमर साहब हमारा दुबई में अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट डालता है, कोई झूठ बोलता है तो उसका जबान काट डालता है। आपने जो हमारी बहन के साथ किया है तो मालूम है वो लोग क्या काट डालता है? गर्दन। अभी हमारा क्या होएगा बेटा? कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तेरा बेटा आ गया ना, अरे हम अमर साहब के पांव पकड़ लेगा, हाथ जोड़ेगा, मगर अपनी बहन को खुशी करने से बचा लेगा। हमारी इज्जत रख लिए साहब, हमारी बहन से शादी कर लीजिए साहब। मगर किरण को कैसे समझाऊंगा, कैसे बतलाऊंगा? दुनिया वालों को जब पता चलेगा तो क्या जवाब दूंगा, वो क्या कहेंगे? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, समझ में नहीं आता। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, माय गॉड मैं क्या करूं। सर आप घर नहीं जाएंगे? 9 बज चुके हैं। तुम जाओ, मैं तो थोड़ा समय। ओके सर, गुड नाइट। बेबी ने नाश्ता कर लिया? जी सर, आपके लिए नाश्ता लाऊं? नहीं नहीं तुम जाओ। अच्छा सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग डैडी। ये क्या कर रही हैं आप? मैं इस भूत को सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर देखिए डैडी ये सुलझने के बजाय और भी उलझता ही चला जा रहा है। ओहो देखो बेटा, जो चीज सुलझाने से भी ना सुलझे उस पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, समझी? ओके नो प्रॉब्लम। बेटा आपसे मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। वो आपको अपनी डांस टीचर कैसी लगती है? ठीक है। आपको पसंद है? अच्छी। मतलब क्या है कि आपको उनकी वजह से आराम है इस घर में? है। मैं ये सोच रहा था कि अगर वो लोग इस घर में रह जाएं तो अच्छा ही होगा ना? रही तो रहे। हाँ नहीं, मेरा मतलब ये था कि हमेशा के लिए रह जाएं तो। हमेशा के लिए? हाँ लेकिन डांस टीचर की हैसियत से नहीं, वो एक रिश्तेदार की हैसियत से। रिश्तेदार? हाँ हाँ। अरे हाँ, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, तुम टीचर आंटी से राखी बनवा लेना, रिश्ता एकदम पक्का हो जाएगा। मैं उस रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो किरण, मैं आपकी टीचर को आपकी माँ की जगह देना चाहता हूँ। क्या? हमारी माँ? हमारी माँ एक डांस टीचर? अरे हमारी माँ कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है। डैडी ये क्या हो गया तुम्हें? उस मोटी भेड़ जैसी डांस टीचर के साथ शादी करके उसे हमारी माँ बनाना चाहते हैं? ओके किरण चिल्लाओ मत, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता, डोंट गेट एक्साइटेड। ओके ओके हम आहिस्ता बोलेंगे और हम नहीं चिल्लाएंगे। मगर ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम मेरी माँ कभी नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। चिल्लाने की क्या जरूरत है? हेलो किरण,
कि तुम यहाँ बैठी हुई हो, तुम्हारे लिए वहाँ पे दूध रखा हुआ है, वो क्यों पिया नहीं तुमने? हाँ मुझे भूख नहीं है। हैं भूख नहीं, ऐसी कैसी बातें कर रही हो? चलो वहाँ चल के दूध। हमने आपसे कहा ना हमें दूध नहीं पिया, नहीं पिया, नहीं पीना। अब जाइए यहाँ से। पहले तो कभी तुमने मुझसे ऐसी ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की। मुझे लगता है अंकल तो मुझे सिर्फ तुम ऐसे ही कहती हो। दरअसल इस घर में मैं तो नौकर जैसा हूं ना। सॉरी अंकल, हम क्या करें, बहुत परेशान है। जिसे यहाँ होना चाहिए वो तो वहां है। किसे कहा होना चाहिए? वही जिसने हमें यहाँ भेजकर परेशानी में डाल दिया है। यहाँ से तो हम वहीं पर ठीक थे। कहाँ पे ठीक थे बेटे? हमारी हमारी मम्मी के पास। मम्मी के पास? आप नहीं समझेंगे अंकल, मैं अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगी, मगर मैं किरण को क्या जवाब दूंगी? किरण? तो फिर तुम कौन हो? मैं किरण नहीं हूँ, ज्योति हूँ। ज्योति? इसका मतलब है अदला बदली हो गई। तुम डैडी के पास चली आई और किरण मम्मी के पास चली गई। अंकल अब आप ही बताइए ना हम क्या करें। अगर उस जांच जी ने डैडी के साथ शादी कर ली तो फिर हमारा क्या होगा? तू घबरा मत बेटी, अब तूने मुझे असलियत बता दी ना। अब तू और मैं मिलके उस डांस टीचर को नाच नचवाते हैं। डार्लिंग, कोई मिस्टर भटनागर आपको बुला रहे हैं। गुड। देखो ये चिकना बहुत पीता जा रहा है, इससे पहले कि ये गिर पड़े तुम अपनी शादी का ऐलान करवा लो। मम्मी ऐसा आके क्यों खड़ी हो गई? तेरा फ्रॉक कोई काट दिया। सुनो तुम खाना लगा लो। खाना? क्या हुआ? सुनो सुनो, इसका फ्रॉक कोई आरामी काट दिया। पार्टी में ये गिरी हुई गंदी हरकत सब तुम्हारी है, तुम्हीं से उकसाया होगा। दोस्त, सारी जिंदगी तुम्हारी दोस्ती का नमक है। अगर ऐसे मौके पर नमक का हक नहीं अदा करूंगा तो अपनी नजरों में कितना गिर जाऊंगा मैं। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि ये शादी नहीं, इस घर के लिए बर्बादी बन जाएगी। मतलब अपनी जिंदगी का फैसला करने से पहले अब मुझे तुमसे सलाह लेनी पड़ेगी। गोवर्धन, अगर मैं तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रखता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उस फर्क को बुला दो। तुम क्या कह रहे हो? मेरे जाती मामले में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है गोवर्धन। तुम होश में नहीं हो, अंदर चलो। छोड़ो मुझे, मैं जानता हूं अगर इस घर में घर वाली आ जाए तो तुम्हारी आजादी खत्म हो जाएगी। तुम इस घर के इंचार्ज नहीं रहोगे, तुमसे हिसाब किताब लेने वाली पैदा हो जाएगी। हिसाब किताब? और नहीं तो क्या, मैंने तो तुमसे कभी हिसाब नहीं मांगा। तुम्हें कितना रुपया देता हूँ, कितना खर्च करते हो, कितना बचाते हो, कहाँ उड़ाते हो, कभी तुमसे पूछा?
तुम कहना चाहते हो कि मैं चोर हूं? मुझे लेके बताओ, तुम कहना चाहते हो कि मैं चोर हूं? तुम्हारे घर खर्च के दिए और रुपए पैसे मैंने चोरी की? तुमने आज मेरी दोस्ती और ईमानदारी में कितना घटिया इल्जाम लगाया, वो भी बाहर के लोगों के सामने। जी जी, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम तो अंकल, अगर आप भी मुझे छोड़कर चले गए तो हम तो अकेले रह जाएंगे। अकेला तो आज से मैं हो जाऊंगा बेटी, तुम्हारे और इस घर के बगैर। देखो बेटी, कल तक तुम्हारे डैडी और मैं एक दोस्त थे, लेकिन आज मैं एक चोर बन गया हूँ। इसलिए बेहतर है कि मैं चला ही जाऊं। नहीं अंकल, डैडी ने आपको जो कुछ भी कहा था, नशे में कहा था, होश में नहीं। लेकिन आज मुझे होश आ गया, मैं तो गैर हूँ, इतनी बेइज्जती तो अपने भी नहीं सहते। नहीं अंकल, अगर आप भी हमें छोड़कर चले गए तो हमारा साथ देने वाला कोई भी नहीं रहेगा। डैडी उस जानसी से शादी कर लेंगे, हमारी माँ हमारी मदद घर में कभी भी नहीं आ सकेगी, और हम दोनों बहनें माँ बाप के होते हुए भी अकेले रह जाएंगे। शायद हम दोनों बहनों की किस्मत में एक साथ रहना लिखा ही नहीं है। हमारी मम्मी को डैडी से मिलाने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। रो मत बेटी, रो मत, कहीं नहीं जाएगा तेरा ये अंकल, लेकिन तेरे इस घर में रहेगा भी नहीं। इस घर के पिछवाड़े में वो जो आउट हाउस है ना, मैं वहीं छुप के रहूंगा, लेकिन डैडी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, समझी? प्रॉमिस। देख, हमें किसी भी तरह इस शादी को रोकना है, और फौरन रोकना है, इसलिए मैं मम्मी और किरण को बुला लेता हूँ। मैं अभी टेलीफोन करता हूँ किरण को। टेलीफोन? हाँ? नहीं, टेलीफोन का दिन तो शुक्रवार है और आज मंगलवार है, किरण फोन नहीं उठाएगी। फोन नहीं उठाएगी तो मैं टेलीग्राम करता हूँ। मैम साहब, क्या है? ज्योति बेबी का टेलीग्राम है। टेलीग्राम? देखो बेटी, क्या लिखा है। अमिताभ बच्चन दिल्ली आ रहा है। ज्योति बेटी, वो टेलीग्राम हमें दो। ज्योति, ये टेलीग्राम का क्या मतलब है? वो नानी, जहाँ जहाँ हम पिकनिक मनाने गए थे ना, वहाँ हमें अमिताभ साहब मिले थे। उन्होंने हमसे कहा था कि जब भी मैं दिल्ली आऊंगा ना, तो मैं टेलीग्राम भेज दूंगा। अच्छा, एक हफ्ता तुम घर से बाहर क्या रही? फिल्म वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। ज्योति, तूने टेलीग्राम क्यों भेजा था? पता है, नानी और मम्मी को शक हो गया था, मगर बच गई। क्या बात है, वहाँ सब ठीक ठाक तो है ना? नहीं नहीं, यहाँ पर तो बहुत गड़बड़ चल रही है। तुम्हारी जो डांस टीचर है ना, वो पापा के साथ शादी करने का प्रोग्राम बना रही है। क्या, डैडी से शादी? पर लेकिन ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, उस डांस टीचर ने पापा को पूरी तरह फांस लिया है। जब देखो तब शराब पीते रहते हैं पापा, पहले जैसा प्यार भी नहीं करते। ज्योति, अगर वो डांस टीचर शादी करके घर में घुस गई ना, तो हमारी माँ तो उस घर में कभी जा ही नहीं सकेगी, कि हम जिंदगी भर माँ बाप के प्यार के लिए तरसते रहेंगे। तू ठीक ही कह रही है किरण, हमें कुछ करना चाहिए। तू भी सोच, मैं भी सोचूंगी। ओके।
पिताजी कहाँ हैं? वो तो बॉम्बे में हैं। और अब तुम्हें भी मेरे साथ बॉम्बे चलना है क्योंकि वो एक डांस टीचर के साथ शादी करने वाले हैं। मम्मी, अब सिर्फ तुम ही उन्हें रोक सकती हो। किरण, इतने सालों तक मैंने उन्हें कभी नहीं रोका, तो आज क्यों रोकूंगी? तो क्या ज्योति और मैं जिंदगी भर तुम्हारे और डैडी के प्यार के लिए तरसती रहेंगे? नहीं बेटी, तुम दोनों के प्यार के बगैर भी तो मेरी गोद सुनी है, मगर मैं उनके पास कैसे जाऊं? वो मुझे छोड़कर गए हैं, मैंने तो उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने आज तक जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया, मैं क्या कर सकती हूँ किरण? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। संगीता, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो तुम? मम्मी, किरण चली गई, मेरे मतलब ज्योति चली गई। ज्योति चली गई, कहाँ चली गई? मम्मी बाद में समझाती हूँ। हमारी गाड़ी से टकरा गई। हे भगवान, मेरी तो एक ही बच्ची है, अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तो पागल हो जाती। इतनी छोटी सी बच्ची को आप रास्ते पर अकेली मत छोड़ा करें। क्या करूं, मजबूर हूं, जन्म से अंधी हूं ना, देख नहीं सकती। क्या आप देख नहीं सकती? आप सोच रही होंगी कि मुझ जैसी अभागन की मांग कैसे भर गई, है ना? ये सब एक देवता का किया हुआ उपकार है, जो हमारा घर बसाकर खुद बेघर हो गए। जी, आइए मैं आपको उस देवता की तस्वीर दिखाती हूँ। मैं तस्वीर देख तो नहीं सकती, मगर रोजाना उनकी पूजा जरूर करती हूँ। इन्हीं के दिए हुए रूपों से मेरी शादी हुई। मैंने स्वर्ग जैसा पवित्र संसार बनाया, मगर उनकी पत्नी ने उनके संसार को नरक बना दिया। बड़ा ही गंदा शक किया उन्होंने अपने देवता पर, और सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले गए।
ऐसा मैंने 7 साल पहले सुना था। आप भी अजीब आदमी है, कहाँ घूमते रहते हैं सारा दिन? आपको कुछ पता है? ज्योति घर से गायब है। हाँ धर्मपत्नी, तुम जैसे इंसान जहाँ रहते हैं वहाँ से कभी कभी भगवान भी गायब हो सकता है। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, माँ की उस लाडली को मैं बॉम्बे जाने वाली हवाई जहाज में बैठा कर आया हूँ। क्या आपने ज्योति को बम्बई भेज दिया? ज्योति को नहीं, किरण को। किरण? हाँ वो किरण थी जो अमर के पास रहती थी। तो फिर हमारी ज्योति कहाँ है? ज्योति अमर के पास है। अब किरण चली गई तो ज्योति भी वापस आ जाएगी। ओह, अब हम समझे। उसने धोखेबाजी से दूसरी बच्ची को भी अपने कब्जे में कर लिया। आखिर अपनी जात दिखा ही दी उसने। नहीं मम्मी नहीं, तुमने हमेशा उन्हें गलत समझा, गलत सोचा, गलत फैसला किया और आज आज भी तुम उन्हें गलत समझ रही हो मम्मी। संगीता तुम होश में तो हो? अगर हर घर में तुम जैसी माएं होने लगी तो दुनिया की किसी बेटी का कभी कभी कोई घर ही ना बसे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कसूर सिर्फ आप ही का नहीं, मेरा भी है, जो मैंने आपके घमंड और अहंकार को अपने जीने का अंदाज बना लिया और आपके बताए हुए हर रास्तों पर अंधों की तरह चलती रही और एक छोटी सी गलतफहमी में अपनी जिंदगी के कई साल यूं ही गुजार दिए। वो गलतफहमी नहीं, हकीकत थी। नहीं माँ, जिस औरत के साथ तुमने उनका पाप का रिश्ता जोड़ा था वो पाप का नहीं इंसानियत का रिश्ता था। उन रुपयों से उन्होंने उस लड़की का घर बसाया था जो अंधी थी। आज आज मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं और अब मैं उनके पास जा रही हूँ। किसके पास? जो तुम्हें ठोकर मार कर चला गया? वो नहीं गए, हमने उन्हें जाने पर मजबूर कर दिया था। मैं उनसे जाकर अपने किए की माफी मांगूंगी। माफी? आज तक हमारे खानदान में किसी ने झुकना नहीं सीखा और तुम? खबरदार बगैर हमारे मर्जी के तुम इस घर के बाहर कदम नहीं रख सकती, समझी? ए धर्मपत्नी, तुम्हारी मर्जी से चलने वाली इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अभी अपनी मर्जी से चलेगी, अपने पति की। ले बेटी अमर का पता और चले जाओ वहाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? देखो खामोश, वरना सर तोड़ दूंगा डंडे से। अरे वाह, हमारे सामने ऊंची आवाज में बोलने की ताकत भी आ गई आप में। इन हाथों में इस वक्त तुम्हारा गला दबाने की भी ताकत आ गई। ये क्या कर रहे हैं आप? आज तक हालात से समझौता करता आया था कि एक घर बना रहे, लेकिन मेरे समझौते को मेरी कमजोरी मत समझो। देखिए जी, हम आपसे कह रहे हैं, आज मेरी बेटी के बिखरे हुए घर को फिर से बनने का मौका मिला है, मैं खामोश नहीं रहूंगा आज। चलो चलो अपने कमरे में जाओ, वरना देख रही हो ना डंडा। किरण, ज्योति, अच्छा हुआ तो आ गई, मगर मम्मी कहाँ है? मैंने बहुत कोशिश की मगर मम्मी नहीं आई। नाना जी की मदद से मैं यहाँ आ गई। उन्होंने कहा है कि शायद मम्मी मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ सकती हैं। अब शायद लगता है कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उस डांस टीचर ने पापा को शराब पिला पिला कर अपने बस में कर लिया है। पापा हमारी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं। और हाँ, पापा से उस डांस टीचर ने शादी करने की तारीख भी पक्की कर ली है, इसी 13 तारीख को। अच्छा, आज तो 8 तारीख है। कहाँ है डैडी? ऊपर बैठे हैं। डैडी। आओ बेटा। डैडी, आप इतनी शराब पीने लगे हैं, ये क्या हालत बना रखी है? पहले तो इतनी शराब कभी नहीं पीते थे आप। जाओ किरण, अपने कमरे में जाओ। नहीं डैडी, अगर हमें मालूम होता कि हमारे जाने के बाद आपकी ये हालत हो जाएगी तो हम उस पिकनिक पर कभी नहीं जाते। हम उस पिकनिक पर कभी नहीं जाते डैडी, छोड़ दो ये शराब। किरण, बिहेव योरसेल्फ। जो एक बार डैडी ने बोल दिया ना, बोल दिया। ना गो टू योर रूम। नहीं डैडी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और ना ही उस डांस टीचर को आपसे शादी करने देंगे। देखो किरण, तुम बहुत छोटी हो, ना समझो, बड़ों की बातों में दखल मत दो, जाओ से। डैडी, हमारी मम्मी में ऐसी क्या बुराई है? क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? क्या आप हमारी मम्मी को फिर से इस घर में नहीं ला सकते?
दीदी अगर आप उन्हें बुलाएंगे तो वो जरूर आ जाएंगी। हाँ मुझे सौतेली माँ नहीं अपनी असली माँ चाहिए, अपनी सगी माँ चाहिए। तुम कुछ नहीं जानती, मुझे रिटर्न मत करो, जाओ जाओ अपने रूम में। प्लीज डैडी मान जाइए ना हमारी बात, मत पीजिए शराब, आप ये पीकर बहुत बदल जाते हैं। मैं आपको नहीं पीने दूंगी, नहीं पीने दूंगी। कुछ दिन बाहर क्या रह गई है, बड़ी बदतमीज हो गई है। मत रो किरण, मैंने तुझसे कहा था ना डैडी के पास मत जाओ। ज्योति तू सच कहती थी, डैडी सचमुच बहुत बदल गए हैं। जिंदगी में आज पहली बार उन्होंने मुझे मारा है। अब हम क्या करें किरण, लगता है अब पापा का प्यार हमें कभी नहीं मिलेगा। ज्योति तू तो माँ के घर चली जाएगी, मगर मेरा क्या होगा, इस घर में सौतेली माँ आ जाएगी। आज डैडी ने मुझे थप्पड़ मारा है, कल घर से निकाल देंगे। हम माँ के घर चलते हैं, उन्हें किसी तरह मना कर यहाँ ले आते हैं। चल अगर हमको ले भी आए तो कोई फायदा नहीं होगा, तब तक डैडी उस डांस टीचर से शादी कर लेंगे और हमारा कोई भी नहीं रहेगा। नहीं किरण, जिनका कोई नहीं होता है उनका भगवान होता है। हम दोनों एक काम करेंगे, हम वैष्णो देवी चलेंगे। नाना जी कहते थे कि वहाँ जो भी मांगो वो जरूर मिलता है। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे माँ बाप एक हो जाए। ऐसा तो तुम एक जैसा दो दो है हा? अच्छा तुम लोग वैष्णो देवी जाएगा हा? चलो हम लेके जाता है, चलो आओ बराबर लेके जाएगा वैष्णो देवी। अच्छा मन्नत मांगना तुम लोग, ये तुम्हारा वैष्णो देवी, इधर बैठ के पूजा करना और सड़ना इधर। तुम्हारा बाप का शादी मेरे बेटे से होएगा, मेरे बेटे का शादी तुम्हारा बाप से होएगा। हाँ डेंजर कल्लू कल्लन कालिया कौन है? अपुन है। कल्लन आयो, तुम इधर दारू पी के मजा मारता है। वो दो छोकरी देखो हमको झाड़ू से मारा और हमारा प्लान पर झाड़ू फेरने को गया मालूम। काय का बमा बम करके मूड का सत्यानाशी कर रहे लिए। मूड? अरे हम तुमको गमूड से मारेगा। उठ। अरे काय को संताप दे रहे लिए, हुआ क्या है? अरे वो दिल्ली का ओरिजिनल बीवी का लड़की इधर आया और दोनों बैग चिमकर वैष्णो देवी का मंदिर मन्नत मांगने गया माँ बाप को मिलाने का वास्ते। अरे तो जाने देना, ऐसा कौन सा भगवान है जो मंदिर से उठ के आएगा मियाँ बीवी का हाथ मिलवाएगा। जा 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 जा। अयो भगवान नहीं मिलाएगा तो वो दो लड़की मिला देगा, वो बहुत डेंजरस छोकरी तुम्हारे बहन की जिंदगी में जहर डाल देगा। देखो वो तो उधर गया है, वो वापस नहीं आना मांगता, तुम कुछ करो नहीं तो वो लोग घर में आएगा, हमको बाहर जाना पड़ेगा। नहीं, हम लोग उस घर की तिजोरी के अंदर होंगे और वो लोग इस दुनिया से बाहर। एक बात बता, वो जो मेरी बहन के पेट में अमर का बच्चा ठहर गया है उसका झूठा ड्रामा तो फिट है ना? हाँ है। कौन है? मिस्टर अमर। तो आप ही मिस्टर अमर की धर्म पत्नी है जो उनकी पत्नी होने का धर्म निभा ना सकी, अब क्या निभाने आई हो? मैं उनसे माफी मांगने आई हूँ और अपनी गलती का प्रायश्चित करने। प्रायश्चित? जो पत्नी अपने पति से इतने सालों दूर रही हो उसने ना जाने कितने पाप किए होंगे, इतने ढेर सारे पापों के लिए पल भर की माफी काफी है क्या?
सच कहा है किसी ने, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ खुद ही पर उड़ेगा। वैसे कीचड़ पे कीचड़ गिर जाए तो कीचड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ अपने पति से मिलने आई हूँ। तुम जैसी नाचने वाली औरत से बहस करके अपनी इज्जत कम करने नहीं। छोड़ो मेरा रास्ता। मेरे होते हुए तुम इस घर की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। जब कोई पत्नी अपने पति से मिलने जाती है तो तुम जैसी औरत तो क्या, उसे कोई नहीं रोक सकता। हट जा सामने से। अपनी माँ की दौलत का नशा और घमंड उतर गया है क्या, जो आज मेरी चौखट पर आ गई हो? अमर, मैं तुमसे। समझा। मेरे हालात देखने आई हो कि मैंने तुम्हारी माँ की तरह अमीरी के आसमान को छुआ या नहीं, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के काबिल हुआ या नहीं? हा? नहीं अमर, ऐसा मत बोलो, तुम नहीं जानते। क्यों, तो ही जुमलों में घायल हो गए क्या, दिल को ठेस लगने लगी? और फिर इतने बरसों बाद आज मेरे पास यहाँ क्या लेने आई हो? हमारी जिंदगी में आग लगाने, ये चाहती नहीं कि तुम सुख से रहो। जब तुम्हारी शादी हुई थी तब भी इसने तुम्हें सिर्फ दुख ही दुख दिए थे, और आज जब तुम अपना घर फिर से बसाना चाहते हो, तुम्हारा घर बसने से पहले उजाड़ने चली आई है। नहीं नहीं, मैं आपकी खुशियों के बीच दीवार बनने नहीं आई हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो हमेशा आपकी खुशी ही चाहती हूँ। मैं तो अपने केक की माफी मांगने आई थी। माफी मांगने या कोई नई चाल चलने? नहीं, आप पर किए शक का पाप जो मेरे सर पर बोझ बना है, उस पाप का प्रायश्चित करने आई थी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, कहीं भी, दूर, बहुत दूर आपसे। मुझे अपनी बेटी दे दीजिए। बेटी? सुना तुमने, जिस बच्ची को मैंने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है, जो तुम्हारी खुशी है या हमसे हमारी खुशी छीनने आई है, दूंगी कहीं की। जल, जल। ढोंगी ये बेचारी नहीं, ढोंगी ये दोनों शैतान है। गोवर्धन, ये क्या तमाशा है? तमाशा है नहीं, तमाशा था। ये माँ बेटी के नाटक पे से पर्दा उठ चुका है, इनका खेल खत्म हो चुका। नहीं जी, ये झूठ बोलता जी। चुप। झूठ बोलता है? मैं कुछ समझा नहीं गोवर्धन। समझो कभी कैसे, माँ बेटी ने तुम्हें शराब पिला पिला कर तुम्हारी आंखों में नशे की पट्टी जो बांध दी। गौर से सुनो, इसके पेट में ना ही तुम्हारा बच्चा है ना किसी का बच्चा है, समझे? ये सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए माँ बेटी ने एक चाल चली थी। क्या? बोल, मैंने जो कुछ कहा वो सच है कि नहीं? नहीं। बोल। हमारी गलती हो गया जी, हमको माफ करो। मतलब ये सब सच है? नहीं नहीं अमर साहब, ये झूठ, ये झूठ बोल रहा है। तो गोवर्धन झूठ बोल रहा है? गोवर्धन झूठ बोल रहा है। और तुम्हारी माँ? मेरी माँ? कमीनी, नीच, जलील। और अरे दो चांटे और मार अमर, तू जानता नहीं इन दोनों ने किरण और ज्योति के साथ क्या किया? किरण और ज्योति? लेकिन ज्योतियां कब आई? अरे जो शादी रोक रही थी वो ज्योति थी, और जिसे तूने थप्पड़ मारा वो किरण थी। शराब के नशे में इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपनी बच्ची को थप्पड़ मारा। शराब ने मुझे इंसान से जानवर बना दिया है। कमीनी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे छोड़ इसको छोड़ो, जाके किरण और ज्योति को बचाओ। क्यों, क्या हुआ? कहाँ है मेरी ज्योति और किरण? वो तुम दोनों को मिलाने के लिए देवी से प्रार्थना करने के लिए वैष्णो देवी के मंदिर गई हुई है, और इस कमीनी का भाई उन दोनों की जान लेने के लिए उनके पीछे गया हुआ है। तुम चलो, अब मैं तुम दोनों को हवालात की ऑमलेट खिलाता हूँ, कानूनी अंडे का। चलो। शरण
वो डांस टीचर का भाई। लगता है हमें मारने आ रहा है। हाँ। ये लड़कियाँ मंदिर तक नहीं पहुँचनी चाहिए, जान से मार डालना है। चल भागते हैं। मरने से पहले प्रार्थना कर रही हो? बुलाओ, बुलाओ अपनी माता को, बुलाओ अपनी माता को। देखो क्या हो रहा है, कोई मियां को मार रहा है। मुझसे भाग कर कहां जा रही हो मेरी प्यारी बच्चियों? मैं तुम्हारा कंस मामा हूँ। मैं कराता हूँ तुम्हें माता के दर्शन, बड़ी आई माँ बाप को मिलाने वाली। देखता हूँ क्या करती है तुम्हारी माता। जीजे तू यहाँ तक भी पहुँच गया? मेरे बच्चों को छोड़ दे। मेरा नाम है कल्लू कल्लन कालिया, अभी बनाता हूँ तेरा चालिया। Thank you.
बच्ची को। नहीं, मैं इसे नीचे बैठूंगा। छोड़ दे मेरी बच्ची को। मम्मी बचाओ मम्मी, छोड़ मुझे मम्मी, 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 जय माता की। माफ कर दे माँ, बच्चों के जन्म पर यहाँ आने की मन्नत इन दोनों ने पूरी नहीं की, इसलिए 7 साल तक दुख भुगतते रहे। माफ कर दे माँ। माता, मामी और डैडी को भी थोड़ी बुद्धि देना, जिससे वो लोग झगड़ा ना करें, और नानी को भी थोड़ी बुद्धि देना, जिससे वो कोई गलती ना करें। जय माता दी। 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 जयकारा वाली राम, उस साजे दरबार की जय।